हे गाइस, टेकमेंट के एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज किस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपको ये नेकबैंड ईयरफोन्स लेने चाहिए या फिर इससे ज्यादा बेटर ये ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स रहते हैं, दोनों में से कौन से लेने चाहिए। काफी सारे लोगों को डाउट रहता है, इस डाउट को आज हम खत्म करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं हम बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज तो नेकबैंड ज्यादा बेटर रहते हैं, इनकी बिल्ड क्वालिटी आपको ज्यादा बेटर देखने मिल जाती है। ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी रहती है, लेकिन इनके जो केस रहते हैं काफी टाइम हॉलो मिलते हैं और उसकी वजह से ये गिरने की वजह से टूटने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। वहीं पर नेकबैंड अगर आपके गिर भी जाते हैं तो जल्दी नहीं टूटते हैं। साथ ही साथ ये जो ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स रहते हैं, इसका जो केस रहता है काफी जल्दी स्क्रैचेस ले लेता है और नेकबैंड में आपको जल्दी स्क्रैचेस भी नहीं आते हैं। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी वाइज तो नेकबैंड ही ज्यादा बेटर रहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लुक्स की बात करें तो लुक्स वाइज तो ये ट्रू वायरलेस ईयरफोन ज्यादा बेटर दिखते हैं, आपके कानों में एकदम छोटे से रहते हैं, काफी मिनिमल से दिखते हैं। तो पार्टीज वगैरह में भी अगर आप जा रहे हैं तो वहां पे आपको कोई भी इशू नहीं रहता है। वहीं पर ये जो नेकबैंड वाले रहते हैं काफी हैवी से फील होते हैं अगर आप इसको कुछ इस तरीके से लगा लेते हैं तो, पार्टीज वगैरह में नेकबैंड अच्छे नहीं लगेंगे। और इवन मैं तो फोटोज वगैरह लेता हूँ तब भी हटा देता हूँ। तो लुक्स वाइज तो आपके लिए ये ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स ही ज्यादा बेटर रहेंगे एज कम्पेयर टू नेकबैंड। और साथ ही साथ अगर आप पार्टीज वगैरह में जा रहे हो वहाँ पर ईयरफोन्स आपको यूज ही नहीं करने हैं तो आप ये ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स को निकाल करके केस में रख के आराम से पॉकेट में रख सकते हैं, तो इजी टू कैरी भी हो जाते हैं। वहीं पर ये नेकबैंड जो रहते हैं ये फोल्ड तो हो जाते हैं, लेकिन फोल्ड होने के बाद भी कैरी करने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। और साथ ही साथ काफी सारे नेकबैंड्स आते हैं ऐसे जो फोल्ड ही नहीं होते हैं, तो इजी टू कैरी भी बन जाते हैं आपके ये ट्रू वायरलेस वाले। तो कैरी करने में और लुक्स वाइज तो आपके लिए ट्रू वायरलेस ही ज्यादा बेटर रहेंगे एज कम्पेयर टू नेकबैंड। ओके, यहाँ पर अगर हम कंफर्ट और फिट की बात करें तो नेकबैंड में तो आपको इन ईयरफोन्स को कानों में लगाने में कोई भी इशू नहीं रहता है। सिर्फ इशू इसके ये नेक में डालने में थोड़ा सा दिक्कत रहती है कि नेक में आपको पूरे टाइम इसको लेकर के चलना पड़ेगा, तो स्टार्टिंग में थोड़े से कंफर्ट के इश्यूज रहते हैं कि पूरे टाइम इसको कैरी करके चलना रहता है आपको अपने नेक में। और वहीं पर ट्रू वायरलेस में आपको दो डिजाइन देखने मिलती है, एक ये एकदम छोटी वाली बर्ड्स वाली डिजाइन देखने मिल जाती है और दूसरी वाली ये एप्पल के एयरपॉड्स टाइप की देखने मिल जाती है। तो ये जो लंबे वाले एयरपॉड्स टाइप के रहते हैं तो इसमें तो फिटिंग और कंफर्ट में कोई इशू नहीं रहता, काफी आराम से कानों में सेट हो जाते हैं। लेकिन जो ये छोटे वाले रहते हैं ये कुछ कुछ में तो सही रहती है फिटिंग, लेकिन ज्यादातर में इश्यूज रहते हैं कि कानों में एकदम छोटे से रहते हैं तो टाइटली पैक कर देते हैं, तो कंफर्ट और इशू दोनों में थोड़ी सी दिक्कत रहती है छोटे वाले ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स में। ऐसी कोई दिक्कत आपको ये नेकबैंड में देखने नहीं मिलेगी, एकदम इजिली कानों में फिट हो जाते हैं और इसमें हिंजेस भी आजकल देखने मिलने लगी है तो बाहर भी नहीं निकलते हैं। तो ओवरऑल कंफर्ट और फिट में इन दोनों में ही आपको कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। ओके, तो अब यहाँ पर अगर हम इसकी माइक की बात करें कि कॉलिंग पे कौन से वाले ज्यादा अच्छे परफॉर्म करते हैं, तो ये नेकबैंड हमेशा कॉलिंग के टाइम पे ज्यादा अच्छे परफॉर्म करते हुए देखने मिलते हैं। आप एकदम बजट प्राइसिंग का 1000 रुपए का कोई भी नेकबैंड ले लीजिए, उसमें आपकी कॉलिंग एकदम आराम से हो जाएगी। वहीं पर आपके जो ये ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स रहते हैं 1000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे, इसकी कॉलिंग काफी बेकार रहती है। आप इसे कान में लगाएंगे तो माइक काफी ऊपर रहता है सोर्स से, इस वजह से कॉलिंग उतनी अच्छी नहीं आ पाती है। वहीं पर नेकबैंड का जो माइक रहता है वो सोर्स से काफी पास में रहता है, उस वजह से नेकबैंड के माइक ज्यादा बेटर रहते हैं एज कम्पेयर टू ट्रू वायरलेस। तो अगर आपको कॉलिंग वाइज चाहिए, कॉलिंग एक मेन प्रायोरिटी है, तब तो आपके लिए नेकबैंड ही है। ओके, तो अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लेते हैं जो आपको इस नेकबैंड में तो देखने मिलते हैं लेकिन ट्रू वायरलेस में देखने नहीं मिलते हैं, और कुछ ट्रू वायरलेस में देखने मिलते हैं तो इस नेकबैंड में देखने नहीं मिलते हैं। पहले बात कर लेते हैं हम इस ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स की। तो ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स का मार्केट काफी अग्रेसिव चल रहा है और काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन की वजह से अब इसमें काफी नई नई टेक्नोलॉजीज भी देखने मिल रही है, काफी सारे ऑप्शंस देखने मिल रहे हैं, और उसी की वजह से अब आपको कुछ इस तरीके के ईयरफोन्स देखने मिलने लगे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपए के हैं और पेट्रॉन की तरफ से आते हैं और इसमें आपको ANC का सपोर्ट देखने मिल जाता है। वहीं अगर हम नेकबैंड की बात करें तो 1600 रुपए में क्या 2000 रुपए के किसी भी नेकबैंड में आपको ANC देखने नहीं मिलता है। स्टार्टिंग ही 2300 रुपए से होती है और 2300 रुपए में भी सिर्फ एक ही है जो कि रियलमी के है, रियलमी बर्ड्स वायरलेस 2, जिसमें ANC देखने मिलता है। बाकी किसी नेकबैंड में आपको जल्दी ANC का फीचर देखने नहीं मिलेगा। तो ये नई नई जो टेक्नोलॉजीज हैं ये ट्रू वायरलेस में काफी जल्दी आ रही है एज कम्पेयर टू नेकबैंड। इसके साथ साथ आपको ये गेमिंग वाले ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स भी मार्केट में काफी सारे देखने मिल जाएंगे, वहीं आपको नेकबैंड गेमिंग वाले उतने ज्यादा देखने नहीं मिलेंगे। सो हाँ, जो नई नई चीजें निकल करके आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, फिर चाहे वो लो लेटेंसी की हो या फिर क्वाड माइक की हो या फिर ANC की हो, ये सारी चीजें आपको ये ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स में ही देखने मिल रही है, नेकबैंड में ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। वहीं एक फीचर आपको नेकबैंड में देखने मिल जाता है जो कि किसी भी ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स में जल्दी देखने नहीं मिलता है, 95% नेकबैंड में आपको वॉल्यूम्स कंट्रोल देखने मिल जाते हैं। तो ये काफी सही चीज रहती है कि आप मोबाइल को पॉकेट में रखे रखे वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं पर 95% ट्रू वायरलेस में आपको वॉल्यूम कंट्रोल्स देखने नहीं मिलते हैं, तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर आपको नेकबैंड में देखने मिल जाता है। यहाँ पर किसी भी ईयरफोन्स की सबसे मेन चीज इनकी साउंड क्वालिटी की बात करें कि ज्यादा अच्छी सेम प्राइसिंग में साउंड क्वालिटी किसमें देखने मिलती है, एक ट्रू वायरलेस में या फिर नेकबैंड में।
तो पहले तो नेक बैंड में काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी देखने मिलती थी और बजट प्राइसिंग भी ट्रू वायरलेस पर उतनी अच्छी साउंड क्वालिटी देखने नहीं मिलती थी, लेकिन अब कंपटीशन की वजह से ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स में भी काफ़ी बढ़िया साउंडिंग ईयरफोन्स आने लगे हैं, लेकिन स्टिल ज़्यादा बेटर तो आपको अभी भी नेक बैंड में ही देखने मिलती है। और अगर साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी चाहिए तो आपको नेक बैंड के साथ ही जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बैटरी लाइफ की बात करें कि इसमें ज़्यादा बैटरी लाइफ देखने मिलती है, तो ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स में ज़्यादा बैटरी लाइफ देखने मिल जाती है एज कम्पेयर टू नेक बैंड। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है, नेक बैंड में 1000 रुपये में आपको 10 घंटे की बैटरी लाइफ अगर मिल रही है तो वो पूरा 10 घंटे एक बार में आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स में 24 घंटे की बैटरी लाइफ मिल रही है सेम प्राइसिंग पे, तो उस 24 घंटे को आप एक बार में यूज़ नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये 4-5 घंटे चलते हैं आपके बड्स, उसके बाद वापस से आपको इस केस में रख के इसे चार्ज करना पड़ेगा कुछ देर के लिए, उसके बाद वापस से ये 4-5 घंटे चलेंगे। तो वन गो में 24 आवर्स नहीं रहता है, वो एक अलग अलग शिफ्ट में रहता है, तो वो पॉसिबल तो इसके साथ भी हो सकता है अगर आप घर में ही हैं चार्जर में लगा करके इसे चार्ज कर सकते हैं। इसमें सिर्फ ये बेनिफिट है कि आपको चार्जर यूज नहीं करना पड़ेगा, एक तरीके से पावर बैंक आप ईयरफोन्स के साथ लेके चल रहे हैं। यहाँ पर एक फाइनल वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं कि आपको ये नेक बैंड लेना चाहिए या फिर एक ये ट्रू वायरलेस लेना चाहिए। तो यहाँ पर पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है कि आपकी क्या प्रायोरिटीज हैं और किस चीज़ों के साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, उस हिसाब से आपका एक डिसीजन बन सकता है। अगर मैं अपना बताऊं तो पर्सनली मुझे ये नेक बैंड ज़्यादा बेटर लगते हैं, क्योंकि कानों से गिरते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं रहती है कि नीचे से उठाना पड़ेगा या फिर मैं कहीं जा रहा हूं तो कहीं गिर जाएंगे, ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ट रहता है इसके साथ कि गिरेंगे नहीं और खोएंगे भी नहीं कहीं पर, तो मुझे नेक बैंड ज़्यादा बेटर लगता है। और साथ ही साथ मुझे कॉलिंग के टाइम पर भी ये काफ़ी सही रहते हैं, कॉलिंग में कोई इशू नहीं रहती है। और ये ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स में तो बजट प्राइसिंग पर आप कॉलिंग ले ही नहीं सकते। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैंने 3 बार वीडियो बनाई, एक बार माइक नहीं चल रहा था तो एक बार कैमरा नहीं चल रहा था, तो काफ़ी दिक्कतों के साथ ये वाली वीडियो आखिरकार आप तक पहुंच गई है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, थोड़ी ज़्यादा पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।